नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। 17वें किस्त का इंतजार हुआ खत्म, किसानों के खातों में इस तारीख को आएगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। आपको बता दें, भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल गरीब किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। 6000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के माध्यम से जारी किया जाता है। हर किस्त के अंतर्गत 2000 रुपए किसानों को बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसान उठा रहे हैं। देश के किसानों को लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का इंतजार है। किसानों के लिए अब खुशखबरी है, किसानों को 17वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। अभी तक किसानों खातों में 16वीं किस्त का पैसा आ चुका है, अब किसानों को 17वीं किस्त जारी होने का इंतजार है। कब जारी होगी 17वीं किस्त? नई सरकार का गठन 9 जून को हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बनने के बाद जून के आखिरी सप्ताह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से किस्त के पैसों में जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं, आप घर बैठे इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पर विजिट करना होगा। अभी पूरा कर ले ये काम, पीएम किसान योजना के अंतर्गत ई केवाईसी करवाना भी अनिवार्य है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए और अपात्र किसानों की पहचान करने के लिए ई केवाईसी को शुरू किया गया है। वही अगर आप तय समय तक भू सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित दे सकते हैं। नियमों के तहत इस काम को करवाना जरूरी है। अगर आपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया तो आप किस्त से लाभ से वंचित रह सकते हैं। मोदी की हैट्रिक, नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी देश के दूसरे नेता। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून की शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। मोदी समेत 32 मंत्रियों ने शपथ ली। एनडीए सरकार में मोदी समेत 72 मंत्री बनेंगे। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर शुरू हुआ। अपने पिछले दो कार्यकालों में पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करने वाले मोदी इस दफा हालांकि गठबंधन सरकार की अगुवाई करेंगे। वे ऐसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों को शामिल कर पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि 1500 रुपये करने का आ सकता है प्रस्ताव। आपको बता दें, प्रदेश में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 10 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की शुरुआत जबलपुर से करते हुए 1,25,00,000 बहनों खातों में 1000 रुपये के मान से राशि ट्रांसफर की थी। ये राशि अक्टूबर में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई और अब जुलाई में आने वाले बजट में बहनों के लिए 1500 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव आ सकता है। अभी तक 19,000 करोड़ से अधिक की राशि खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना में शामिल बहनों की उम्र 23 से घटाकर 21 साल की विवाहित बहनों को भी जोड़ा गया, इससे संख्या 1,31,00,000 हो गई है। एक्टिव मोड में राज्य सरकार, करोड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट होंगे मंजूर। आपको बता दें, चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार 11 जून को अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक का एजेंडा अधिकारी तय कर रहे हैं। इसमें 20 से अधिक एजेंडे को चर्चा में लाए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग समेत अन्य विभागों के करोड़ों रुपए नए प्रोजेक्ट मंजूर करने और रुके व अटके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सहमति दी जाए। कैबिनेट के बाद सीएम चुनिंदा विभागों के मंत्री ACS और PS से फिर चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट बनाने की को भी कहा गया है। कैबिनेट की पिछली बैठक 14 मार्च को हुई थी। इस बैठक में खास तौर पर चित्रकूट विकास प्राधिकरण के गठन, केन बेदवा परियोजना के लिए 24,000 करोड़ रुपये की मंजूरी और पर्वतमाला योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों में रोपवे शुरू करने का फैसला किया गया था। इसके बाद अब 89 दिनों के उपरांत पहली बैठक होने वाली है। उधर चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश में अगले मंगलवार से जिलों में कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई भी शुरू हो जाएगी। खुल सकता है तबादलों का वैन। कैबिनेट की बैठकों में प्रदेश में 15 दिन या अधिक समय के लिए तबादलों पर वैन भी हट सकता है। इसमें जिला और राज्य स्तर पर कर्मचारियों के तबादले मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति से किए जा सकेंगे। इसके अलावा मंत्रियों को परिवार के जिले सौंपने और ACS व ADG स्तर के अफसरों द्वारा की जाने वाली संभागीय समीक्षा बैठकों व उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी तेज हो सकेगी। मध्य प्रदेश में सभी के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा फ्री। आपको बता दें,
मध्य प्रदेश में शुरू हो रही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश के भीतर सभी नागरिकों के लिए मुफ्त होगी। सड़क या औद्योगिक दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा में घायल सामान्य जनों और आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से भी राज्य के बाहर इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उन्हें राज्य से बाहर ले जाने के लिए करीब 2 लाख रुपये घंटे की दर से चार्ज देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने बेंगलुरु की निजी एयर एम्बुलेंस कंपनी इंटरनेशनल क्रिटिकल केयर एयर ट्रांसफर टीम के साथ 29 मई को 2 एयर एम्बुलेंस के लिए करार किया। इसमें एक किंग एयर C90 विमान व एक वेल 407 हेलीकॉप्टर है। ये करार 31 मई 2025 तक के लिए है। मध्य प्रदेश में 17-18 जून तक मानसून की एंट्री। आपको बता दें मध्य प्रदेश में मानसून 17-18 जून तक एंटर होगा। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी रहेगी। सोमवार को सुबह से रुक रुककर बारिश हो रही है। रविवार को धार, रतलाम, छिंदवाड़ा समेत कई शहरों में बारिश तो हुई। निवाड़ी, दामो और छतरपुर गर्म रहे। ऐसे ही मौसम अगले एक सप्ताह बना रहेगा। सोमवार को छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, डिंडोरी में तेज बारिश और आंधी चल सकती है। आईएमडी भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि रविवार को मानसून मुंबई में ऑनसेट हो गया। 2 दिन बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ब्रांच कमजोर हो जाएगी, जो एक सप्ताह तक ऐसी ही बनी रहेगी। 17 और 18 जून को बंगाल की खाड़ी की ब्रांच एक्टिव होगी। इसके बाद मानसून मध्य प्रदेश में पहुंच सकता है। इससे पहले मानसून में प्रदेश में आने की उम्मीद कमी है। वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, 9 श्रद्धालुओं की मौत। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में आम चुनाव की सफलता व अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों से बौखलाए आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। आतंकियों ने रविवार शाम पीएम मोदी की सफल भीड़ से घंटा पहले 6:15 बजे श्रद्धालुओं से भरी बस के ड्राइवर पर गोलियां बरसा दी, जिससे बस खाई में गिर गई। फिर घायल यात्रियों पर भी गोलाबारी की। बस वैष्णो देवी जा रही थी, जिसमें ज्यादातर श्रद्धालु यूपी व दिल्ली के थे। रियासी के ASSP मोहिता शर्मा ने 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा 33 लोग घायल हैं। 5 शहरों से कवर किया पूरा MP, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने का प्रयास। आपको बता दें नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल गठन में प्रदेश से 5 शहरों को शामिल कर पूरा मध्य प्रदेश साधने का प्रयास किया गया। रविवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य भारत से पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मालवा निवाड़ से सावित्री ठाकुर, बुंदेलखंड से वीरेंद्र कुमार खटीक और नर्मदा पट्टी से दुर्गादास विके को शामिल किया गया है। मोदी की पिछली कैबिनेट में भी प्रदेश से 5 लोकसभा सांसदों को मंत्री बनाया गया था। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश के सभी 29 सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने विजय पताका फहराई है। सरकारी स्कूलों में पड़े रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक कर सकते हैं आवेदन। आपको बता दें सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए इच्छुक नए आवेदकों को GFMS पोर्टल पर नवीन पंजीकरण कराना आवश्यक है। नवीन पंजीयन के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीयन में आधार EKYC कराना आवश्यक है। आवेदक शैक्षणिक एवं व्यवसाय की योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करें। मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद पास की जानकारी दर्ज कर अपडेट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।